गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले BCSL 021 का जो कि हमारा सी प्रोग्रामिंग वाइवा प्रैक्टिकल लैब है। तो हम प्रैक्टिकल के लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस बार, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था BCSL 013 का। ऐसी डेली वीडियोज़ आ जाएंगे आप लोग के एग्ज़ाम्स के पहले तक। तो लाइक ये सेकेंड सेमेस्टर का है कोर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके भी लैब जो है हमारे प्रैक्टिकल का जो वाइवा होता है वो ऑनलाइन ही होगा, और बिकॉज कि कोविड बढ़े जा रहा है दैट्स वाई। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा इससे रिलेटेड कि कैसे एग्ज़ाम्स होता है कैसे नहीं, वो वीडियो मैंने BCSL जब 013 का वीडियो बनाया था कल, उस वीडियो में ये बताया हुआ है कि किस तरीके से ये अपलोड हो कैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराए जाते हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू हैव क्वेश्चन इज़ दैट कि हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हेडर फाइल से हमारा कोई भी प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट हो पाता है। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हेडर फाइल क्या है। The header file is that this file in the include section is called as a header file. मतलब क्या कि एक header file एक specifier है जो कि include करता है किसी भी section को, और ये .x extension होता है। header file is given as extension .h है ना, और c source file के लिए given as extension होता है .c, right? So these are pre-compiled files that are some function defined in them, okay? And we can call those functions our program by supplying parameters, right? So आपसे header file पूछेगा, आपको definition बता देना है, and जैसे जैसे questions देंगे उसको handle करना, right? So header file पूछा, what is header file? You know a header file? So yeah, the file that is specified in the include section is called a header file. इसको डिनोट किया जाता है, यानी एक्सटेंशन किया जाता है .h के थ्रू, राइट? सो अब देखते हैं, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी का हिस्ट्री क्या है, सी लैंग्वेज है क्या? तो सी क्या है कि एक सी को डेवलप किया गया है। वैसे ही पहले ये सी था नहीं, राइट? So milestone in C developing as a language are listed below. So BCPL is a user friendly operating system providing a powerful development tools developed BCPL. ठीक है, and it is a assembler was long and error prone, and इसको यार क्या कह सकते हैं कि एक ये B था जो कि इसको develop किया गया 1917 में, और इसको सी लैंग्वेज के रूप में लिया गया, ठीक है? एंड ये बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया था, केन थॉमस पंत में किया था, एंड ये असेंबली लैंग्वेज के भी प्रोवाइडर थे, राइट? कोई पूछे व्हाट इज सी, तो सी इज एक डेवलपमेंट लैंग्वेज है जो कि बी लैंग्वेज का एडवांस वर्जन है, राइट? इसके रिक्वायरमेंट थे, मतलब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर सकते थे, लैपटॉप कंप्यूटर्स भी यूज़ किए जा सकते थे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद GCC, राइट? GCC के साथ ये करता था, एंड टर्बो सी इन विंडोज़ OS, एंड टर्बो C++ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सो ये था, इसके कंपाइलर्स वगैरह भी थे, राइट? अब बात करते हैं, ये टर्बो पूछेगा कि आप कंपाइलर हो सकता है कि कंपाइलर के बारे में पूछे, तो आप बताओगे कि यार टर्बो C++ इज़ अ फर्स्ट डेस्कटॉप प्रोग्राम विच इज़ कंपाइल आवर प्रोग्राम, एंड ये कैसे वर्क करता है। तो सेलेक्ट फाइल फ्रॉम मेन्यू बार, एंड सेलेक्शन ऑप्शन हैव अ न्यू, एंड इसके पास सेव का भी ऑप्शन होता है, उसके बाद टू डू कंपाइलिंग में करता है सेलेक्ट कंपाइल फ्रॉम अ क्लिक कंपाइल, एंड कंपाइल को क्लिक करना पड़ता है सेलेक्ट के बाद, एंड देन कि सक्सेस हो जाता है, सो मैसेज एरर नहीं आता है, रन वगैरह करता है, ठीक है?
सो इस तरीके से है, आपको ये फाइल जो है ना, यू नो ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। एक बार ऊपर से नीचे तक देख लोगे तो 35 पेज का ये है। अगर आप एक बार ये देख लेते हो तो कंफर्म है कि क्लियर हो जाना है आपको। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सारा लॉन्ग लेंथ में याद करो, बट सबके डिफिनीशंस इनफैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज डिफिनीशन तो पूछेगा ही। जैसे स्ट्रक्चर का डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो सी प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सर्वल इंस्ट्रक्शन विच वेयर इच इंस्ट्रक्शन इज रिटन एज अ सेपरेट स्टेटमेंट, राइट। तो हो सकता है सिंटेक्स भी पूछे, तो आप सिंटेक्स भी बता सकते हो, राइट। अब कीवर्ड्स भी पूछेगा, तो कीवर्ड में सी में जो है ना कीवर्ड्स हमारे लिमिटेड होता है, राइट। 32 कीवर्ड्स ही यूज़ करते हैं, बट सी प्लस प्लस जो है उसमें लिमिट नहीं होता है कोई भी कीवर्ड्स का। उसमें आप अपने वर्ड से भी ओन अपने कीवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसके 32 केट्स है, कीवर्ड्स है। सो ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैर है, कॉन्स्टेंट है, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, ऐसे यू नो आप सीक्वेंसली याद करोगे ना ए टू जेड का प्रोसेस से, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे ऑटो है, ए फॉर ऑटो, बी में ए और बी में बस दो ही वर्ड है, ऑटो और ब्रेक। सी में आपके पास चार आ जाते हैं, केस, कैर, कंटिन्यू एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कॉन्स्टेंट। सो इस तरीके से डब्ल्यू तक है आप लोग याद कर सकते हैं, राइट। ऑपरेटर्स पूछ सकते हैं कि ऑपरेटर क्या है, तो सी सपोर्ट अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स विच आर सिम्बॉल्स, राइट। इसके यूज़ हो सकते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है विद इन एक्सप्रेशन टू मैनिपुलेट टू बी परफॉर्म वाइल इवैल्यूएटिंग अ एक्सप्रेशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, बीट वाइज हो गया, कंडीशनल हो गया, बुलेन हो गया, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। तो ये सब जो है ना ये ऑपरेटर्स हैं, काफ़ी लॉन्ग ऑपरेटर्स होते हैं, बट सी में हमें मैथमेटिकल, लॉजिकल, बुलेन वाला भी थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है, जो हमारे कोर्स में था और भी है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप ये पीडीएफ एक बार रीड कर लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगी, उसके बाद आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे साइलेंट फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो साइलेंट फीचर्स स्मॉल साइज, फंक्शन कॉल्स, स्ट्रक्चर लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, पॉइंटर, ये सब चीज़ें जो है बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोग एक बार बस देख लेना, ठीक है। बस आपसे एरे का डिफिनीशन पूछ सकता है कि एरे क्या है, तो एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज all which are area, same types and it is start from zero, right? ये एडजस्ट करता है जीरो से। उसके बाद आपसे पूछेगा स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, इट मे कंटेन वेरिएबल्स मैनी डिफरेंट डेटाज एंड टाइप्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एरे, लाइक। आपसे एल्गोरिदम भी पूछ सकता है, डेफिनेटली एल्गोरिदम पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस में एल्गोरिदम भी दिया हुआ है। तो एल्गोरिदम है क्या, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड स्टेप इज कॉल्ड आर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि डिफिनेशननेस हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, फिटनेस हो गया, राइट, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक है। सो ये सबको देख लेना, बस सी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट है। अब सारे के डिफिनेशंस आपको याद होने चाहिए, एरे, पॉइंटर, फंक्शंस, है ना, कुछ के सिंटेक्स भी आपको याद करने होंगे क्योंकि आपसे प्रोग्राम तो पूछेगा नहीं डेफिनेटली, क्योंकि वाइवा है तो आपसे प्रोग्राम पूछेगा नहीं। सो पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सी क्या है, सी के हिस्ट्री क्या है, एरे क्या है, हेडर फाइल क्या है, कीवर्ड क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, है ना, पॉइंटर क्या है, फाइल क्या है, यूनियन क्या है, स्ट्रैक क्या है, सारी चीज़ें हो सकती है तो पूछें। सो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको कैसे एग्ज़ाम होता है वो जानने के लिए प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आप लोग को ईजी हो जाए, क्योंकि आपने भी कभी क्योंकि आपका फर्स्ट प्रमोशन हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो डेफिनेटली आपको भी नहीं पता है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा बेसिस 022 होगा। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और जितने भी आरसीएस के शेड्यूल्स हैं ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप पटना से हैं तो। ओके, बाय बाय।